रहा है। कोना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ला जरा यहाँ ला। अरे बापा इनका तो हमेशा का ये। पहले मेरा भर दो, मुझे बहुत सारे काम है। अनिल कहाँ आता है जल्दी? जलाराम बापा, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू है कि यहाँ टाइम पास करे छे? और ये क्या है? हाँ, कमरा है या कबाड़खाना? और तू ये कान्हा जी को क्या कब से घूरे जा रही थी? तेरा नाम क्या गोपिका रख दिया? तुझे लगता है कि तू कान्हा जी को उंगलियों पे नचाएगी अपने? हाँ? नहीं मामी जी, वो मैं कान्हा जी के लिए हार बना रही थी, तो जब तक गौर से नहीं देखूंगी कल्पना नहीं कर पाऊंगी कि कौन सा रंग अच्छा लगेगा, कैसा डिजाइन अच्छा लगेगा। और मामी जी, मैं जब उनकी आंखों में देखती हूँ ना, तो समझ में आ जाता है मामी जी कि उन्हें कैसा रंग पसंद आएगा, कि कैसे जेवर पसंद आएंगे। अच्छा, चाय बनानी तो ठीक से आती नहीं है और चली मुरारी हीरो बनने। आंख देख के समझ जाती है ना तू? तो मेरी आंख देख के तुझे समझ में नहीं आता कि मुझे गुस्सा आ रहा है? सॉरी। इतने दिनों बाद मेरी दिकरी आशिकार आ रही है। और ये कर देखो कैसे सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये पेंसिल, ये रबर, ये सब क्या है? आशिका कमरा साफ किया? जी। मोनथाल बनाया? हाँ मामी जी। हाँ मामी जी, तो ऐसे बोल रही है जैसे उपकार कर रही हो मुझ पे। कपड़े धोए? सुखाने बाकी बस। भाई तो कपड़े धो लिए मतलब सब कुछ हो गया। सुखाएगा कौन? मुहूर्त निकलवाऊं? मैं जाके कपड़े सुखा। जी जा। हाँ। जा जा करे। हाँ। मुझे जवाब देती है। कितना भारी है लैपटॉप जी। अरे हाँ पे तो रंग लग गया। हाशी बहन देख लेगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। अरे आप उनकी फेवरेट जो हो, मैं एक काम करती हूँ,
उनके आने के पहले कपड़ों के साथ साथ आपकी भी सफाई कर देती हूँ। हाँ लैपटॉप हो पर आशी बेन के आने पर एकदम टिप टॉप लगने चाहिए। हाँ माँ बोलो। कितनी देर क्यों लगाती फोन उठाने में, पता है ना मुझे कितनी टेंशन हो जाती है हर चीज। मम्मी मैं ना हूँ। मैं वो छोड़, पहले ये बता कि अपना डेटा यूज कर रही है या फिर ऑफिस का। मम्मी मैं ज्वेलरी शॉप में हूँ। तो क्या हुआ, अब तो ज्वेलरी शॉप में भी फ्री में वाईफाई देते हैं। ओ मैं शॉप के बाहर हूँ मम्मी, कक्षा मंदिर है, हम इसको वेट कर रहे हैं। ओ हो, तो मेरी बेटी अपने मिशन पे लगी हुई है। क्या बात है। अच्छा दिखा तू कहाँ है वो। कम ऑन मम्मी, अब आप इरिटेट मत करो। अब तो तेरी मम्मी इरिटेट ही करेगी ना तुझे। चहल चबीला बाका सजीला, ये सक्षम जो मिल गया है तुझे। पर उसके पीछे तुझे मुंबई किसने भेजा, तेरी इस मम्मी ने। उसकी ऑफिस में काम किसने दिलवाया तुझे, तेरी इस मम्मी ने। उसको कैसे फंसाना है किसने सिखाया, तेरी इस मम्मी ने। मम्मी प्लीज अब आप रोना मत शुरू कर देना। जानती हो सब तूने किया है, एक तुम ही तो हो जो मेरा सबसे ज्यादा भला चाहती हो। आप ही मुझे सक्षम के करीब लेकर आई हैं। अब खुश बेन, कितना दूं? एकदम बकवास है, फ्री में दो। अरे हाशी हाशी बेटा, करीब से याद आया, कितने करीब आए मम्मी बताना, कितने करीब आए। करीब है पर शायद नसीब में नहीं। हाँ इतना खड़ूस आदमी है ना मम्मी, मैं इसे लुभाने की हर कोशिश करती हूँ पर ये है ना, इसका इंटरेस्ट मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस में है। भले ही साथ रहे पर नजर ना मुझसे ज्यादा अपने हीरो पे होती है। कमाल का पीस है सर, एक बहुत बड़े महाराज की पत्नी का है। महाराज ने अपनी पत्नी की इस निशानी को हमेशा मान से सहज कर रखा। हीरे से ज्यादा कीमत तो इसके इमोशंस की है। इमोशन मेरी जिंदगी का मोशन चेंज नहीं कर सकता सिन्हा साहब। जैसे सूरज की कीमत उसकी चमक से होती है, वैसे हीरे की उसकी तमक से होती है। करण और कट तय करते हैं कि हीरा किसकी अंगूठी में सजेगा, बाकी सब तो कहानियां हैं। आप तो बुरा मान गए सक्षम जी। ये वो कीमत है जो इसकी दमक की है, समझ आए तो डील फाइनल। अरे इसी के लिए तो उसे फाइनल किया है तेरे लिए। हीरो के व्यापारियों के घराने का वारिस है। मुद्दा ये है कि तू जिंदगी भर ऐश करेगी, समझी। अब ये बता मान गया कि नहीं शादी के लिए। हाँ पर एक शर्त रखी है। हैं? शर्त? बड़ी अजीब सी शर्त रखी है, कहता है कि उसे। चले। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे बेटा बोलते ही जाना। अरे हो गया तुम्हारा काम। हाँ राम बापा, क्या शर्त रखी होगी, अब जब तक पता नहीं चलेगा जान सूखती जाएगी मेरी। अब तो बता दो बहन कितना किलो तोलूं? फ्री में भी नहीं चाहिए, ले तेरे आम रख। लैपटॉप जी मैं कपड़े सुखा लेती हूँ फिर आपका इंतजाम करती हूँ। हाँ चलो
मेरी आशी दिख रही की स्वागत की सारी तैयारियां हो गई है। बिस्तर भी हो गया है और इसके मनपसंद कवर भी लगा देती हूँ मैं। और उसका लैपटॉप तो है। लैपटॉप? लैपटॉप कहाँ गया? अरे हितेन दिख रहा, तूने आशी का लैपटॉप देखा क्या? गोपिका के पास है ना, वो ऊपर लेके गई है, कुछ साफ करने को बोल रही थी। हे जलाराम बापा, बंदर के हाथ में तलवार, पता नहीं ये गोपिका लैपटॉप के साथ क्या करेगी। अरे गोपिका, चलाराम बापा, पर लैपटॉप, लैपटॉप कहाँ है? मामी जी, क्या कर रही थी तू लैपटॉप के साथ? मामी जी, इस पे ना थोड़ा सा रंग लग गया था। हाँ? तो आप फिक्र मत करे, देखिए मैंने पूरा साफ कर दिया कपड़े से। देखिए आशी बेन का लैपटॉप कितना सुंदर है ना, ये यहाँ से, मैं पूछ रही थी यहाँ से ऑन होता है? कोई जरूरत नहीं है ऑन करने की। ये मामी जी आप परेशान हो रही है, आपको लगा मैं लैपटॉप धो दूंगी क्या? मामी जी आपकी गोपिका इतनी भी बुद्धू नहीं है कि लैपटॉप धो दे। मुझे पता है कि तू क्या है, तुम्हारा हाथ मत लगाना इसे, जा जाकर मेरे लिए चाय बना। खड़ी क्या है, जाना चाय बना जी। चला रहा पापा, लैपटॉप बच गया।